Good morning, students. So today we start the portion related to the topic of depreciation, diminishing balance method. जो हमने last video में diminishing balance method कैसे calculate करते हैं ये समझा था. अब हम उससे related एक question करने जा रहे हैं. The question is here. A company purchases a second hand machine on 1st April 2016 for rupees 30,000 and immediately spend rupees 4,000 on its repair and 1,000 in installment. एक मशीन थी 1 अप्रैल 2016 को परचेज करी है, कितने में थी? 30,000. उसको ठीक करने पर खर्चा आया 4,000 रुपये, उसको लगाने पर खर्चा आया 1,000 रुपये. तो हमें कंप्लीट मशीन कितनी पड़ी? 35,000. तो जब हम मशीन की परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश. तो जब आप मशीनरी परचेज कर रहे हो बिजनेस के अंदर तो मशीनरी आ गई, तो मशीनरी क्या ऐसे रियल अकाउंट और डेबिट वर्ड था मशीन, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट गया. क्या कैश गया? चलो बैंक के थ्रू ज़्यादा करके बैंक कर देंगे, लेकिन कैश लगेगी. क्लियर? कितने मशीनरी परचेज करी? 35,000. तो आपने यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाया है तो सेम मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पर क्या आएगा? टू कैश या टू बैंक 35,000. कितनी बार क्लियर? मशीनरी अकाउंट को डेबिट करा है तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पर क्या आएगा? टू बैंक डेबिट साइड. कितने से? 35,000 से. अब मैं आपको क्वेश्चन में पूरा रीड कर दूं. On 1st October 2018, the machine was sold rupees 25,000. 1 अक्टूबर 2018 को हमने इस मशीन को सोल्ड कर दिया 25,000 में. आपने मशीन अकाउंट में पेड करना है, डेप्रिशन आपको 10% देखा है. किस मेथड से? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहते हैं. सेकेंड मेथड क्लियर? ये हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस. उसके बाद आपको आईजीएसटी देखा है 12% ऑन परचेज. आईजीएसटी क्या होता है? पहली बात जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना? जो हम गुड्स को परचेज करने पर टैक्स कलेक्ट करते हैं, गुड्स को सेल करने पर टैक्स कलेक्ट करते हैं, दैट टैक्स इज कॉल्ड जीएसटी. और जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान का आदान प्रदान करते हैं तो उसके लिए आईजीएसटी. तो इस क्वेश्चन में डेप्रिशन के किसी भी क्वेश्चन में आईजीएसटी का कोई रोल नहीं, तो आप इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते. दैट पॉइंट डज नॉट मैटर इन दिस क्वेश्चन, इन एनी क्वेश्चन ऑफ डेप्रिशन. क्लियर? तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमने मशीनरी परचेज करी, मशीनरी और कैश एंट्री करी 35,000 से 1 अप्रैल. अब आपको पता है कि पहले साल के एंड में वो जो मशीनरी पूरे साल यूज हुई है उसमें डेप्रिशिएशन है, तो घिसावट हो रही. जो घिसावट हो रही क्या हुआ? 200 हम डेबिट करते हैं तो डेप्रिशिएशन अमाउंट डेबिट. घिसावट किसकी हुई? मशीनरी में, तो मशीनरी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. जब ऐसे के लिए बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, हम खुद क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे. तो डेप्रिशिएशन अमाउंट डेबिट मशीन कितना डेप्रिशन लगेगा? 35,000 की मशीनरी परचेज करेंगे उस पर 10% डेप्रिशिएशन होता है, तो 35,000 पर 10% कितना होगा? 35,000. क्योंकि वो पूरे साल मशीन यूज होगी, 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक 2 साल मशीन यूज हुई है तो हमने एंट्री करी डेप्रिशन अकाउंट डेबिट टू मशीन. तो मशीनरी अकाउंट को यहां पे क्या रेड करें तो मशीनरी अकाउंट में रेड से क्या है? बाय डेप्रिशन. कौन से? 35,000. 35,000 की मशीनरी में पहले साल 35,000 डेप्रिशन था तो कितना बैलेंस बचा? 31,500. दैट बैलेंस विल बी ग्रो डाउन द नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017. आपकी कंपनी के अकाउंट से 1 अप्रैल 2017 इस बैलेंस को हम ब्रो डाउन कर लिए. अब जो डेप्रिशन लगेगा वो 31,500 पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले भी क्लियर कर था कि जो हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है वो नाम से क्लियर कर रहा है कि आपका जो बैलेंस आया है डेप्रिशन बैलेंस मेथड के बाद उस बैलेंस के ऊपर आपका डेप्रिशन. That's why it is called diminishing balance method. That why it is called reducing balance method. कि जो balance reduce हो गया है, 35,000 की मशीन थी,
3500 डेप्शन रिड्यूस हो गया, उस बैलेंस के ऊपर जो बैलेंस बच गया रिड्यूस हो गया, इसके ऊपर डेप्शन पे पहले बार में चल रहे हर साल इस मशीन की डेप्शन हो गया, दैट इज द ओरिजिनल पोस्ट और हम क्या कर रहे हैं डिमिशिंग बैलेंस हो गया। तो 31500 पर 10% डेप्शन हो गया, तो हमारी 3500 हो गया। तो सेम डेप्शन के एंड क्यों भी डेप्शन ऑन द मशीन। तो सेकंड ईयर के एंड में भी 31500 का खाता को बाय डेप्शन के नाम से 3500 28,000 उसके बाद से करें ना अक्टूबर को, तो 1 अप्रैल से अक्टूबर तक जब तक आपने मशीन यूज़ करी तब तक तो उसकी हिसाब नहीं होगी, उसका यूज हुआ होगा, उसका डिडक्शन हुआ होगा, तो तब तक आप उसका डिडक्शन कर लो। तो आपका बैलेंस निकला 28,350। अब इस 28,350 का 10% डिडक्शन लगाया कितना 6 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक तो मशीन यूज हुई है, तो 6 महीने का डिडक्शन लगेगा, 6 महीने का डिडक्शन। हमने क्या करा था पहले 31,500 का, फिर डिडक्शन आया 3,500 के, तो हमने डिडक्शन माइनस कर दिया, तो क्या 3,500 बना। अब इसे पहले 3,500 का डिडक्शन डिडक्शन कितने महीने का 6 महीने का कितना बना 1,417.05 या 50 पैसे। तो उसको डिजिट को चेंज कर देंगे 1,418 रुपये। आपको पता होगा मैथ की टर्म्स में अगर 0.5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो तो अगली डिजिट को चेंज कर सकते हो, अगर 0.4321 हो देन यू कैन नॉट चेंज द अपर डिजिट, उसे पहले वाली डिजिट को आप चेंज नहीं कर सकते। तो डिडक्शन बना 1,418 रुपये, तो आपने डिडक्शन का 2,418 रुपये। अब आप मशीन भी सोल्ड करें, जब मशीन भी सोल्ड करोगे तो उस केस में आपके पास कैश आएगा, ये कैश पैसा जो आएगा बैंक में जमा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जा क्या रही है मशीन भी जा रही है, मशीन भी सोल्ड करने पर मशीन भी जाएगी, तो मशीन भी क्या एसेट है, एसेट के लिए रीड अकाउंट करो डेबिट पर कम से क्रेडिट पर डिपोज आओ, तो मशीन भी जा रही है, मशीन को क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे, तो मशीनरी को क्रेडिट करेंगे, मशीनरी ऑनलाइन क्रेडिट से मिल गया बाय बैंक में हमसे अच्छी है। अब नोटिस करो आपकी जो मशीनरी 28,350 की थी उसमें डिडक्शन का 1,418 रुपये, 28,350 की मशीनरी पर 1,418 डिडक्शन बना तो कितना बना है 2,396 26,000 जितने भी अगले क्वेश्चन डिमिशन बैलेंस सेम क्वेश्चन वो आपको ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।